नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बजाय आप टाइप्स पे फोकस करो, और जैसे आपने देखा 30 से 35 मिनट्स में टॉपर की रिविजन हो गई, राइट? उसी जगह एक लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट है, वो सारे क्वेश्चन करेगा, चलो यार ये भी करते हैं ये भी करते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाके भाग जाएगा। एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरी बुक रिवाइज कर सकते हो? नहीं, पर जनरली जो 3 डिजिट स्कोर कर रहे हैं, 100 out of 100 स्कोर कर रहे हैं, व्हाट दे डू वो देख लेते हैं कि डेरिवेटिव में है क्या, तो वो आधे घंटे में चैप्टर रिवाइज करते हैं। कैसे? कॉस क्यूब थीटा के 4 फॉर्मूलाज हैं, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, 2 cos² θ - 1, 1 - 2 sin² θ, 1 - tan² θ / 1 + tan² θ। मैंने गाना बना के लर्न कर लिया। सो इट्स लाइक, ऐसी क्या बात है कि लोग सक्सेसफुल होते हैं और ऐसी क्या बात है कि लोग फेल पे फेल होते हैं? देयर इज अ वन रीजन, यस, एंड दैट रीजन इज चॉइसेस। वेलकम टू मंदान अकेडमी। यस, यू हैव हर्ड राइट, टाइटल से आपने देख ही लिया होगा कि हाउ टू गेट 100 out of 100 इन मैथमेटिक्स। वी आर गोइंग टू शेयर सुपर्ब बिग आइडियाज दैट वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन 100 out of 100 इन मैथमेटिक्स, नो मैटर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th और क्लास 12th। यस, इट्स अमेजिंग नंबर, द 3 डिजिट स्कोर 100 out of 100 इन मैथमेटिक्स। सो लेट्स बिगिन। यू नो वन थिंग, 100 कैसे आता है? देखिए, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, लाइक 100 डायरेक्टली कभी नहीं आता, 60 के बाद 70 आता है, 70 के बाद 80, 80 के बाद 90, 90 के बाद 100। सो किसी मशहूर इंसान ने कहा है, किसी सक्सेसफुल इंसान ने कहा है कि यू कैन नॉट स्किप द स्टेप्स, आपको हर एक स्टेप करनी होती है। सक्सेसफुल सभी होना चाहते हैं, बट यू कैन नॉट स्किप द प्रोसेस, ठीक है? तो ये बात मैंने भी कह दी आपसे कि यू कैन नॉट स्किप द स्टेप्स, आपको एक एक स्टेप फॉलो करनी होती है। सो व्हाइल इफ यू आर हैविंग सच अ बिग गोल इन योर लाइफ लाइक 100 out of 100 मार्क्स, वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, डोंट ट्राई टू टेक द शॉर्टकट, ट्राई टू डू द थिंग्स इन डेडिकेटेड मैनर। ओके, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 100 out of 100 मार्क्स, ट्राई टू जज योर लेवल कि आप कहां पे हो, लेट्स से 50। सो व्हाइल यू आर ऑन अ 50, वी विल स्टार्ट विद 50 एंड इवेंचुअली विल ट्राई टू हिट द 100। सो what are the powerful techniques, tips or big idea that we are going to share? So let's begin. Big idea is formulas. Bachcho, aapke liye ek important announcement. Before we start today's lecture, I would like to announce an Academy plus subscription live classes. बच्चों, 11th एंड 12th कैटेगरी के लिए लाइव क्लासेस हम ले रहे हैं अनअकैडमी ऐप पे। यू कैन जॉइन द प्लस कोर्स बाय डाउनलोडिंग द अनअकैडमी ऐप, तो सारी लाइव क्लासेस का आपको एक्सेस मिल जाएगा। जस्ट डाउनलोड अनअकैडमी ऐप एंड गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द कूपन कोड MANDHAN। इस कूपन को आप यूज करें, यू विल गेट एडमिशन इनटू प्लस कोर्स। तो बच्चों, सीबीएसई कैटेगरी के लिए हम लाइव क्लासेस वहां पे कंडक्ट करी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो द बिग आइडिया इज, द फर्स्ट बिग आइडिया इज फॉर्मूलाज। व्हेनेवर यू स्टार्ट अ लेसन इन मैथमेटिक्स, जो एक चीज है जो आपको 100 out of 100 दिला सकती है, ट्राई टू रिमेंबर द फॉर्मूला बिफोर स्टार्टिंग द लेसन। अल्टीमेटली होता क्या है, जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और कुछ बच्चे बहुत अच्छा स्कोर नहीं करते हैं, फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि जो बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं उनके फॉर्मूलास काफी काफी हद तक बुरे होते हैं, उन्हें फॉर्मूला तक पता नहीं होता है। उन्हें फॉर्मूला की आइडिया ही नहीं होती है कि फॉर्मूला वर्किंग कैसे करते हैं। उस तरफ अगर हम टॉपर्स की बात करें जो 100 out of 100 स्कोर कर रहे हैं, दे नो ईच एंड एवरी फॉर्मूला। सो ट्राई टू रिवाइज द फॉर्मूला एज मच एज यू कैन। मैं मेरी बात करता हूं, लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 11, तो एक फॉर्मूला थे कॉस 2 थीटा के। सो देयर आर 4 फॉर्मूलास, कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूला है, ख्याल से सुनना, 4 फॉर्मूला है, मुझे लर्न ही नहीं हो रहे थे। सो व्हाट आई डिड, क्या किया होगा मैंने, मैंने वो फॉर्मूला एक ही दिन में 500 बार बोला, मैंने सोचा लर्न ही करना है, राइट? मुझे लर्न नहीं हो रहा था। सो आई डिड इट, कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूलास हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos² θ - 1, 1 - 2 sin² θ, 1 - tan² θ / 1 + tan² θ। मैंने गाना बना के लर्न कर लिया। सो इट्स लाइक, यू नो, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं एज अ रॉक स्टार। व्हाई? जस्ट बिकॉज आई नो द फॉर्मूलास। फॉर्मूलाज ही नहीं आएंगे तो आप चैप्टर में सर्वाइव कैसे करोगे? तो जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम जाती है, दैट्स द रीजन।
एंड यू यू वोंट बिलीव, हमारे चैनल पे बहुत सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट है, ट्रिग्नो, लॉग, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, जो कि शायद ही किसी क्लास में पढ़ाए जाते हैं, डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। हमने पहले टेक्निक बताई है आपको कि डेरिवेटिव के फॉर्मूला कैसे लर्न करना है, एंड दैट्स द बिगेस्ट इनिशिएटिव इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एजुकेशन, जहां पे डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज कराए नहीं जाते। मैं खुद पढ़ चुका हूं, सो इट्स इनोवेशन। ओके, और ये बात आप सीधी ख्याल में रख लो कि मेरे बच्चों के स्कोर्स अच्छे क्यों आते हैं, देयर इज अ वन बेस्ट रीजन, फॉर्मूलाज। हमने ऐसे ऐसे बच्चों के 94 तक मार्क्स लाए हैं जो ट्वेल्थ में फेल हो चुके हैं, कहीं और इंस्टीट्यूट में पढ़ के फेल हो चुके हैं, और मेरे पास आए और वही बच्चों ने 94 तक स्कोर किया 3-4 महीनों में। व्हाई? बिकॉज हमने उनको फंडामेंटल्स क्लियर करे। सो द फर्स्ट बिग आइडिया इज फॉर्मूलाज, राइट? एंड इट्स माय रिकॉर्ड, आज तक मेरे इंस्टीट्यूट से एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ, बाकी इंस्टीट्यूट से आपको मिलेंगे, मेरे यहां से नहीं मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज हमारे फंडामेंटल इतने स्ट्रांग है, वी आर जस्ट अ बिग शॉट, यू कैन नॉट कंपीट विद अस, राइट? सेकेंड बिग आइडिया, रूल्स। इसको ना हम चैप्टर्स के थ्रू समझते हैं। देखिए, ट्रायंगल्स में फॉर्मूलाज तो उतने नहीं है, थोड़े बहुत फॉर्मूलाज, लाइक पाइथागोरस थ्योरम है, वो एक फॉर्मूला है, और छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, थ्योरम्स हैं जो आपको लर्न करने होते हैं। रूल्स, हर चैप्टर में बहुत सारे रूल्स होते हैं, उनको आपको स्टडी करना होता है। सो बेसिकली मैं इंटीग्रेशन से स्टार्ट करता हूं, जहां पे बच्चों को बहुत डर लगता है। इंटीग्रेशन आपको पता है सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूलाज, उतना तो आना ही चाहिए। सेकंड है रूल्स, बिना रूल्स के यू कैन नॉट स्टार्ट विद इंटीग्रेशन। सो यहां से अगर आप शुरू करते हो, योर 50% जर्नी इज ओवर। लाइक इंटीग्रेशन में इट्स नथिंग, फॉर्मूला और रूल कर लो, 2 मार्कर्स आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है? सो बिफोर स्टार्टिंग एवरी लेसन यू विल फोकस ऑन दीज 2 थिंग। थर्ड वन इज प्रैक्टिस, राइट? जब कभी भी आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, या तो आप क्लास में पढ़ोगे या खुद पढ़ोगे, यू शुड डू प्रैक्टिस। लाइक फर्स्ट टाइप देखा कि इंटीग्रेशन में, एक टाइप देखा आपने, दिस इज 1/4, ठीक है? आप कमेंट करके बताएं, इफ यू नीड अ रैपिड रिवीजन वीडियो ऑन इंटीग्रेशन, आई विल मेक इट। सो 1/4 आपने टाइप देखा, इस पे आप 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपकी ब्रेन में वो स्टिक रहे और लॉन्ग टर्म तक आप उसको रिटेन कर पाए। नेक्स्ट इज रिविजन ऑन संडे एंड मंथ एंड। यू नीड टू नोटिस वन थिंग, दैट संडे के दिन आपको नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, और ये सारे सब्जेक्ट के लिए सही है, क्योंकि आपकी मेमोरी जो होती है ना, वो हर एक चीज को अपने दिमाग में नहीं रखती है। दैट्स द ह्यूमन एडवांटेज, आप जो कुछ भी देखते सुनते पढ़ते हो, मेमोरी में सब नहीं रहता है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारी बुरी इंफॉर्मेशन भी आती है ना, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वही चीजें जाती हैं जिनको आप रिकॉल करते हो, जिनको आप बार बार बोलते हो, राइट? सो ट्राई टू डू रिविजन ऑन संडे। संडे के दिन आप रिविजन करोगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी जाएगा, ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है। ये एक डिफरेंस होता है टॉपर और लूजर के बीच में। बहुत सारे बच्चे वीक परफॉर्मेंस इसलिए करते हैं कि वो रिविजन नहीं करते हैं। सी, इंटेलिजेंस इज नथिंग, इवन इफ कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो आप, इफ यू आर नॉट वर्किंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, यू आर अ फेल। चाहे आपके पास जेब में 10 लाख रुपए ही क्यों ना हो, आपकी मैनेजमेंट करने का स्किल अच्छा नहीं है तो आप 0 पे जरूर पहुंच जाओगे। और मैं नहीं, आप सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है, प्रैक्टिस किए बिना आप चाहे कितने भी गॉड गिफ्टेड क्यों ना हो, यू कैन नॉट गो अहेड। ओके, नेक्स्ट क्या है अपने सामने, फोकस ऑन टाइप्स इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन। व्हाट पीपल ट्राई टू डू, जैसे कि मैं एक चैप्टर ले लेता हूं, लाइक डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप किसी स्टूडेंट को पूछो तो उसको पता भी नहीं होता है। एक लो परफॉर्मर स्टूडेंट है, उसे पता भी नहीं होता है कितने टाइप है। एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट है, 90+ स्कोर कर रहा है, वाई? उसे सारे टाइप्स पता है। लाइक देखिए, क्वेश्चन अगर बात करें, महाराष्ट्र बोर्ड में, स्टेट बोर्ड की बुक में 256 क्वेश्चन है डेरिवेटिव की, जाके गिन लो आप, मुझे पता है। बट टाइप्स कितने हैं, हार्डली यू वुड फाइंड 20 टाइप्स, मुश्किल से 20 टाइप मिलेंगे। देर आर समथिंग अराउंड 12-13 टाइप्स, पर 20 ले लो, तो उन सारे टाइप्स की आप लिस्ट बना लो। अब सोचो इसका एडवांटेज क्या है, एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरी बुक रिवाइज कर सकते हो,
नहीं, पर जनरली जो 3 डिजिट स्कोर कर रहे हैं, 100 out of 100 स्कोर कर रहे हैं, व्हाट दे डू वो देख लेते हैं कि डेरिवेटिव में है क्या, तो वो आधे घंटे में चैप्टर रिवाइज करते हैं। कैसे? इट्स लाइक डेरिवेटिव क्या क्या है, फॉर्मूला देख लिए, रूल्स देख लिए 15 मिनट में, 15 मिनट में क्या क्या है, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट फंक्शन वाले डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव के रूल्स क्या है वो उन्होंने देख लिया, डबल डेरिवेटिव एंड इम्प्लिसिट फंक्शन उन्होंने वो देख लिया, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव एडिशन वाले फंक्शन में उन्होंने वो देख लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन के रूल्स क्या है उन्होंने वो देख लिए, मिसलिनियस टाइप देख लिए। आ रही है बात समझ में? तो बेसिकली उनका फोकस टाइप पे होता है, एंड मैं भी उसमें ही हूँ इंक्लूड, ऐसा नहीं है, आई एम वन ऑफ द टॉपर एज वेल। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बजाय आप टाइप्स पे फोकस करो, और जैसे आपने देखा 30 to 35 मिनट्स में एक टॉपर की रिविजन हो गई, राइट? उसी जगह एक लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट है वो सारे क्वेश्चन करेगा, चलो यार ये भी करते हैं ये भी करते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, भाग जाएगा, राइट? तो ये चीज आप समझ के चले। आप सोचो 4 दिन बाद एग्जाम है, फिर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि 100 ही आने चाहिए, यू कैन स्कोर 90 मार्क्स। यस, चैप्टर उठाओ, लेट से डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में देख लो कि कौन से टाइप आ रहे हैं, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करो, 2 घंटे में चैप्टर खत्म, राइट? एंड देयर इज अ गुड चांस ऑफ एक्यूरेसी, अदरवाइज एक एक दिन चलाते हैं बच्चे चैप्टर। डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी यू कैन डू द स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क टू स्कोर 100 out of 100। सो ऑलवेज टाइप पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग अलॉट ऑफ टाइम। लेट्स से वन मोर थिंग अबाउट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में भी टाइप्स है, लाइक हार्डली 30 टाइप्स है, हर टाइप पे दो दो क्वेश्चन कर लो, दैट्स ओवर, 2 घंटे में 3 घंटे में रिविजन हो गई। अदरवाइज बच्चों का होता ही नहीं है रिविजन, बच्चे तो देखते हैं कि यार ये क्या टाइप आ गया। समझ में आ रही है बात? सो दीज आर द 5 big ideas। जो नेक्स्ट बिग आइडिया हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। जो भी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो द बिग आइडिया इज, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके 100 out of 100 पोटेंशियल नहीं है, दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ना। सो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में हमारा ऐसा कहना है कि अगर नहीं है यू कैन डेवलप दैट एबिलिटी, राइट? कैसे डेवलप होगी? ट्राई टू सॉल्व द फंडामेंटल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, लाइक जब कभी भी आप ट्रिग्नो स्टार्ट कर रहे हो 11th स्टैंडर्ड का, ट्राई टू सॉल्व द 10th स्टैंडर्ड। सो वहां से आपकी फाउंडेशन क्लियर होगी। एग्जाम्पल दो, वॉट इज दिस? sin² x, एंड वॉट इज दिस? sin x²। फंडामेंटली बच्चों को पता ही नहीं होता कि दोनों चीजें सेम ही है। वन मोर थिंग, क्लास 8 के बच्चे, क्लास 8 के इंडिया के ऑलमोस्ट 30% बच्चे से आप पूछोगे कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, तो बच्चे बोलेंगे फर्क है, यहां से 2 कट हो रहा है, 2 1s are 2 2s are, एक्चुअली ये रॉन्ग है, ठीक है ना? बट दे डोंट नो दिस काइंड ऑफ फंडामेंटल, और ऐसे बच्चे आगे IIT की प्रिपरेशन करते हैं, क्या हाल होगा? सो ट्राई टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एंड लिसन, इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम, ओके? इफ यू आर वर्किंग ऑन इट, सस्टेनेबल रहेगा और आपके एफर्ट्स हमेशा यूजफुल रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिग आइडिया की ओर। व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम, क्लास 10th और क्लास 12th की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में लाइफ सेवर है पास्ट ईयर पेपर। आई रिपीट, लाइफ सेवर है। व्हाई? बिकॉज यू कैन कंफर्म 80 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इफ यू फॉलो दिस। एंड सम स्टूडेंट्स से, सर 30 मार्क्स तक ठीक है ना, 100 out of 30 मिल जाते हैं, आई वुड से 80। व्हाई? बिकॉज 50 मार्क्स के कंसेप्ट रिपीट होते हैं, तो कंसेप्ट बच्चों को जनरली पता नहीं होता। 50-60% बच्चे ऐसे होंगे इनको पता ही नहीं होगा कि कंसेप्ट है क्या, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन मैथ्स का कंसेप्ट है इंटीग्रेशन के लिए, डेरिवेटिव के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ITF बेस्ड डिफरेंशिएशन। सो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, ट्राई टू कंसल्ट टीचर्स, टीचर्स के पास जाए आप उनसे पूछे कि कॉन्सेप्ट कौन सा रिपीट हो रहा है। लाइक 12th में महाराष्ट्र बोर्ड में
एक कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, एलएमवीटी, लग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, काफी इजी क्वेश्चन होता है। सो इवन इफ यू डोंट स्टडी होल चैप्टर, 15-20 मिनट में वो पढ़ लो, नेक्स्ट डे आपके एग्जाम में पॉपअप हो जाएगा क्वेश्चन, बिकॉज एग्जामिनर का फेवरेट है वो। मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आधे घंटे का टॉपिक, 4 मार्क कन्फर्म। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं एंड 50 मार्क्स के तक के कंसेप्ट रिपीट होते हैं। एग्जामिनेशन में एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो होता है, राइट? सो 80 मार्क्स तक आप कंफर्म कर सकते हो। सी डिस्क्लेमर, डिपेंड है कि लेवल के ऊपर भी रहेगा, मे बी इट्स 60, मे बी इट्स 70, मे बी इट्स 90, इट डिपेंड्स, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंसेप्ट इट्स अ किंग। कंसेप्ट बार बार रिपीट होता है, सो ट्राई टू एनालाइज द पास्ट ईयर पेपर, सारे आप एनालाइज करें और सॉल्व कर लें। सो रफली यू आर एट द लेवल ऑफ 80 आउट ऑफ 100। सो बाकी रिमेनिंग 20 कैसे आएंगे नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टू बिग आइडियाज आर टेस्ट एनालिसिस। हर वीक में एक बार आपको टेस्ट दे दीजिए ताकि उससे आपको एक लेवल जज हो जाए कि आपकी लेवल क्या है, एंड ट्राई टू इंप्रूव अकॉर्डिंगली। डोंट रश टू सिक्योर हाई मार्क्स, और आप रश करते करते, जल्दी जल्दी करते करते यू ट्राई टू स्किप द स्टेप्स। सो फर्स्ट थिंग इज स्टेप्स, टेस्ट एनालिसिस। नाउ 9th पॉइंट है प्रैक्टिस। सो व्हाई प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, बिग आइडिया। जो भी 100 और 100 स्कोर करते हैं उनकी आप प्रैक्टिस लेवल देखिएगा, उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस लेवल होती है कि उनको एक एक टाइप दो दो बार चार चार बार सॉल्व किया होता है। सो एग्जाम में भी आता है तो वो नया नहीं लगता है, और उनकी गलतियां ही नहीं होती, राइट? उनकी इतनी प्रैक्टिस होती है कि गलतियां ही उनसे नहीं होती है, दैट्स व्हाई दे आर अ परफेक्ट स्कोरर। कहीं कहीं उनको आप रट्टेबाज भी बोल सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, बट दैट्स हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। वो इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एग्जाम में उनसे गलतियां ही नहीं होती। नेक्स्ट है कंसेप्ट। जो भी अच्छा स्कोर करता है 100 और 100, लाइक 80 प्लस, उनके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको हर एक कंसेप्ट पता होता है। सो यू कैन ट्राई टू फिगर आउट द कंसेप्ट्स। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो भी बेस्ट स्कोर रहता है उनको टाइप सारे पता होता है। देखिए, टाइप पता होना ये एक डिफरेंट थिंग है। हर संडे के दिन आपको रिविजन भी करनी है कि सारे टाइप्स जो भी पढ़े, हर मंथ एंड में मंथ के सारे टाइप्स की रिविजन भी करनी है ताकि टाइप्स और कंसेप्ट आपके साथ सस्टेन रहे। बिकॉज एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरी बुक के 2-4 हज़ार क्वेश्चन रिवाइज नहीं कर सकते। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन टॉपर्स एंड एवरेज परफॉर्मर्स। नेक्स्ट है हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी। देखिए, कोई भी मास्टरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आती है। जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं उन्होंने बचपन में ही उतनी मेहनत करी होती है जिसका रिजल्ट उन्हें आगे मिल रहा होता है। लाइक 10th स्टैंडर्ड में जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ा रहता है, 11th में वही रोते हैं कि उन्हें नहीं आ रहा है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, समथिंग लाइक दैट। पर जिन्होंने 10th में ट्रिग्नोमेट्री में हार्डवर्क किया रहता है, एफर्ट्स डाले होते हैं, उनको 11th में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं जाते। सो फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, एफर्ट्स देने ही पड़ते हैं। विदाउट पुटिंग एफर्ट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द रिटर्न। लाइक जमीन है, आप बोलोगे आप बीज भी ना बो, वहां पे मेहनत भी ना करो, वहां पानी भी ना दो, वहां खाद भी ना दो, आप बोलो पेड़ उग जाए, वहां आपको पता चलेगा ये रियलिस्टिक है। यहां हम अनरियलिस्टिक वे में काम कर रहे हैं। वी ट्राई टू फिगर आउट द शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट। रेगुलर मेहनत करो, एवरीडे चॉइसेस मैटर। हर दिन एक आपके पास चॉइस है, ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ और डोंट इंप्रूव। सो एवरीडे काउंट्स, ट्राई टू वर्क हार्ड एवरीडे, एंड द कंसिस्टेंसी इज द की। Okay, all the best for your future success and have a wonderful life ahead. God bless you. This is the secret. वो क्या चीज है जो सक्सेसफुल को सक्सेसफुल बनाए रखती है और फेलियर्स को फेलियर बनाए रखती है? This is the master tip that you are going to learn. और मेरा वादा ही नहीं, आपसे दावा है कि ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं, दैट्स द होल लाइफ चेंजर फॉर यू। ऐसी क्या बात है कि लोग सक्सेसफुल होते हैं और ऐसी क्या बात है कि लोग फेल पे फेल होते हैं? देयर इज अ वन रीजन, यस, एंड दैट रीजन इज चॉइसेस। यू आर ऑलवेज वन चॉइस अहेड फ्रॉम योर एब्सोल्युटली अमेजिंग लाइफ। जस्ट टेक द डिसीजन। आपकी लाइफ बदलने के लिए कुछ चॉइसेस ही काफी होते हैं। वी ट्राई टू इग्नोर इट, यू नो, लाइक रोज के दिन में आपके पास हजारों चॉइसेस होती है,
यू ट्राई टू इग्नोर इट एंड यू ट्राई टू इग्नोर कि यार एक घंटा प्रैक्टिस करके क्या मिल जाएगा, 15 मिनट्स रनिंग करके क्या मिल जाएगा, 20 मिनट्स योगा करके क्या मिल जाएगा. बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द ईयर ये छोटे छोटे चॉइसेस इट बिकम्स अ ह्यूज सक्सेस. लाइक IIT JEE टॉपर, कुछ समय पहले की बात थी, इन वन ऑफ हिज इंटरव्यू सेड रोज की पढ़ाई में रोज ही करता था, आई डोंट यू नो लैग द स्टडी. पहले पढ़ाई का जो भी रोज का टारगेट था रोज कंप्लीट करता था, इवन डाउट्स रोज के डाउट रोज डिस्कस करता था. अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में कोचिंग सिस्टम में डाउट के लिए तो कोई प्लेस ही नहीं है. इंडिया के 90% इंस्टीट्यूट में सेपरेट प्लेस है ही नहीं कि बच्चे के रोज डाउट क्लियर हो. बट ये जो टॉप करते हैं ना IIT में टॉप 100 रहते हैं, ये पर्सनली रहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो इनके पहले डाउट क्लियर होते हैं फिर आगे पढ़ाई करते हैं. आई हर्ड वन ऑफ द स्टोरी, कोटा का एक इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है. उस इंस्टीट्यूट में 5 बच्चों की सेपरेट बैच ली जा रही थी, वहां के HOD ने जाके उन्हें पढ़ाया था, सेपरेट बैच चलती थी. दीज स्टूडेंट्स आर द रैंकर और ये उनकी किस्मत बनाते हैं. ये जो 4-5 बच्चे हैं जो वहां पढ़ते हैं ये इंस्टीट्यूट की किस्मत बनाते हैं, क्योंकि जब ये टॉप 100 में आते हैं या टॉप 200 में आते हैं तब इनके पास करोड़ों का बिजनेस आता है. सो बेसिकली ये 4 बच्चों की बैच थी, नाम नहीं लूंगा इंस्टीट्यूट का. ये 4 बच्चे को HOD पर्सनली जाके पढ़ाते थे, समझ में आ रही है बात. मतलब उनका हर एक डाउट क्लियर होता था, ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्पी क्लियर. तो एक दिन क्या हुआ, 4 बच्चों में से एक बच्चा एब्सेंट था, राइट. तो उसके डाउट्स क्लियर करने के लिए नेक्स्ट डे पे पहले जो कल की क्लास हुई थी वो ली गई, समझ में आ रही बात. पहले जो कल 2 घंटे वो बच्चा एब्सेंट था वो पढ़ाया गया, उसके बाद आगे पढ़ाया गया. सो आप समझ रहे हो कि यू नो एक एक चीज करते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यू कैन नॉट स्किप द स्टेप्स. आप स्टेप को कभी स्किप नहीं कर सकते, एक एक स्टेप आगे बढ़ना होता है. इवन इफ इट टेक्स टाइम इट्स ओके, बट इवेंचुअली यू विल फील कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो तो आपके पास रिवर्स जाने का चांस नहीं होता है.